सऊदी अरब वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री का आलमी मरकज बनने जा रहा है। सऊदी सल्तनत की जानिब से गेमिंग इंडस्ट्री में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी से वीडियो गेम्स के बाज़ परिस्तार खुश नहीं, और वो इसकी वजह इंसानी हकूक के हवाले से सऊदी अरब की ख़राब सूरत हाल को करार देते हैं। फुटबॉल के सबसे बड़े आलमी सितारों का नया घर और पेशावर गोल्फ का शरीक मालिक सऊदी अरब अब अरबों डॉलर मालियत की वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री का मरकज बनने के लिए पुरजोश है। सऊदी खुद मुख्तार दौलत फंड ने गुज़िश्ता बरस सितंबर में एक नए ग्रुप के लिए तकरीबन 40 बिलियन डॉलर मुख्तस किए, जिसका मकसद इस्लामी मुमलिकत को 2030 तक गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए एक ग्लोबल हब में तब्दील करना है। इस बरस फरवरी में रियाज हुकूमत ने एक बड़े गेमिंग टूर्नामेंट की मेज़बानी की, जिसकी इनामी रकम रिकॉर्ड 45 मिलियन डॉलर रखी गई। इसने सऊदी अरब को गेमिंग सनत का एक उभरता हुआ अहम खिलाड़ी बना दिया है। सऊदी फुटबॉल क्लब्स आलमी प्लेयर्स को अपने यहाँ खेलने के लिए रागिब करने के सिलसिले में इंतहाई भारी मुआवजे अदा कर रहे हैं। गेमिंग की दुनिया में इन इकदामात ने इसी किस्म के रद्द अमल को जन्म दिया है जो फुटबॉल और गोल्फ में सऊदी शराकत पर देखा गया। जहाँ नाकदीन सऊदियों पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाते हैं, इन खिलाफ वर्जियों में एक सऊदी मुनहरिफ वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलम निगार जमाल खशोगजी का 2018 में कत्ल भी शामिल है। अब गेमिंग के ज़रिए दुनिया भर में ऑनलाइन रहने वाले नौजवानों की अक्सरियती कम्युनिटी इस सल्तनत में शामिल हो रही है, जहां चंद ट्वीट्स पर लोगों को कई दहाइयों तक जेल की सज़ा सुना दी जाती है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और वीडियो गेम्स के कारोबार के बारे में एक किताब के मुसन्निफ ने कहा कि ये एक बार फिर रूमियों और इनके अखाड़े की तरह है, जहाँ सबसे ज़्यादा पैसे वाले ममालिक अपनी दौलत और ताकत के इजहार के लिए खेलों को एक थिएटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब के 37 साल वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जो मुबैना तौर पर ख़ुद भी गेमिंग के शौकीन हैं, गेमिंग को सऊदी अरब के लिए अपने इस विज़न 2030 के एक हिस्से के तौर पर देखते हैं, जो इस सल्तनत की मईशत को बेहतर बनाने, तेल पर इसका इन्हिसार कम करने और मुल्क की नौजवान आबादी को रोज़गार और तफरी फराहम करने का इनका एक पुरजोश मनसूबा है। उन्होंने गुज़िश्ता बरस सितंबर के महीने में सैवी गेम्स ग्रुप के क़याम का ऐलान करते हुए कहा कि हम अपनी मईशत को मतनव्वे बनाने के लिए स्पोर्ट्स और गेम्स के शोबे में अपने गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत को बरुएकार ला रहे हैं। गेमिंग एक बहुत बड़ी और तेज़ी से तरक्की करने वाली सनत है। एक मार्केट रिसर्च फर्म का कहना है कि एक अंदाजे के मुताबिक 3.2 बिलियन लोग पीसीज, कॉन्सोल्स, मोबाइल डिवाइसेस या क्लाउड गेमिंग सर्विसेज पर गेम्स खेलते हैं, और इस इंडस्ट्री ने 2022 में 184.4 बिलियन डॉलर की आमदनी हासिल की। सऊदी अरब के 700 बिलियन डॉलर के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की मलकियत में कायम किए गए सैवी ग्रुप का मकसद गेमिंग इंडस्ट्री में 39 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करना है। इसे अगले 7 वर्षों में 250 मुकामी कंपनियां कायम करने और 39,000 मुलाजमतें पैदा करने की उम्मीद है।